जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। और ऐसी फिल्म में एक ऐसा फॉरेस्ट दिखाया गया है जो कि कर्स्ड फॉरेस्ट है, और वहाँ अगर कोई भी जाता है तो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जोबा और क्विंसी नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं, जिन्होंने अपने दोस्त केलब और उसके बॉयफ्रेंड को इनवाइट किया था डिनर पे। दरअसल केलब 3 महीने के लिए गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर चला गया। केलब उन्हें बताता है कि वो लाइफ चेंजिंग वुड्स में गया था, जहाँ पे जब वो गया तो उसने अपने अंदर बहुत सारा चेंज देखा। जब वहाँ से वापस आया तो वो देख पाया कि वो एक बेहतर इंसान बन चुका है। ये सुन के जोबा और क्विंसी को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी से कई महीनों तक दूर रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है उसके दिमाग पे असर पड़ा हो। लेकिन केलब बहुत ही काम होता है और वो सिर्फ स्माइल ही कर रहा होता है। दोस्तों, ये सभी लोग अमीर होते हैं। जोबा की वॉच की पुरानी कंपनी होती है जो कि उसके दादा परदादा चलाया करते थे, और क्विंसी भी एक बिजनेस वूमेन थी। क्विंसी केलब से कहती है कि उसने एक संस्था के लिए फंड रेजर किया था, जिसमें वो लोग गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे, और अगर वो उस फंड रेजर में होता तो उसे और अच्छा लगता। केलब उससे कहता है कि उसका फंड रेजर एकदम फ्लॉप है, क्योंकि जिन बच्चों की वो मदद कर रही है वो बच्चे कुछ साल बाद फिर से उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से वो आए हैं। ये सुन के क्विंसी को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके मुंह पर केक फेंक के मारती है और उसे कहती है कि वो तुरंत उसके घर से चला जाए। इस जेस्चर से केलब को ज़रा भी बुरा नहीं लगता और वो स्माइल करने लगता है। जोबा उसका बचपन का दोस्त था, इसीलिए वो उसे सॉरी कहता है, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो बात कही है वो बहुत ही घटिया बात है। जोबा जब क्विंसी को समझाने की कोशिश करता है तो क्विंसी समझने को राज़ी ही नहीं होती, और वो उल्टा उसे ही डांटने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बाइसेक्सुअल है और बचपन में वो केलब के साथ रिलेशनशिप में था, इसीलिए उसका ये कहना था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी जोबा उससे कहता है कि वो केलब की बातों का इतना बुरा ना माने, और क्विंसी तभी एक चाकू से उसे थोड़ा सा स्टैब कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तभी उन्हें केलब का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, अगर वो लोग एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो वो उस जगह पे जाए जहाँ पे वो होकर आया है। उसे उस कैबिन का एड्रेस दे देता है जहाँ पे वो रहने के लिए गया था, और वो दोनों वहाँ पे जाने का डिसाइड कर लेते हैं। जोबा क्विंसी से कहता है कि जब उनका बच्चा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि वो वाइट है और वो ब्लैक है, और उनका जो बच्चा होगा वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेगा। उसके बाद वो लोग उस कैबिन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक साइन नज़र आता है जिसे देख कर वो हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कुछ पड़े हुए जार्ज अपने आप गिर जाते हैं, और हम देख पाते हैं कि उन जार्ज में क्विंसी और जोबा का नाम लिखा हुआ है। जब वो बाहर आराम से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें जंगल से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद क्विंसी जब वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, जिसे वो समझ जाती है कि वो अब प्रेगनेंट हो चुकी है। वो जोबा को जब ये बात बताने के लिए जाती है तो जोबा इसे सुन के काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पड़े ग्रामोफोन से एक डिमोनिक वॉइस आती है जो कि उनसे कहती है कि वो अपने आप को गॉड को दान दे दें। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और तभी अपने आप दरवाजे बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि वहाँ से कैबिन गायब हो चुका है और वो एक अजीब से जंगल में फंस गए हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है, और उन्हें लगता है कि शायद वो आदमी हार्मफुल होगा, इसीलिए वो दोनों छुप जाते हैं। वो आदमी उन दोनों का बैग चुरा के अपने साथ ले जाने लगता है, और वो दोनों जब उसका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बैग में जो खाना पड़ा था वो उसे पका रहा है। जोबा उस खाने के पास जाता है और उसे खाने लगता है, और जब वो अपनी वाइफ को भी वहाँ पे बुलाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ को उस बंदे ने बंदी बना के रखा है। वो बंदा उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ को यहाँ से ले जा रहा है, और अगर वो हिलने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए जोबा बहुत डर जाता है और वो ज़रा भी नहीं हिलता, और वो बंदा उसकी वाइफ को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी जोबा सोचता है कि वो अपनी वाइफ को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वापस जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस बंदे ने उसे टेंट के पास बैठा रखा है। वो बंदा उसे देखकर वहाँ पे खुश होता है और उससे कहता है कि उसने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया है। कई सारे लोग अपनी वाइफ को नहीं बचाने आते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये सुनकर जोबा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं। तभी वो बंदा टेंट के अंदर जाता है चाय बनाने के लिए, और जोबा और क्विंसी को उसके ड्रॉर में ढेर सारे पेपर्स मिलते हैं, जो कि उनके बैंक के पेपर्स थे, और उनके बैंक से कई सारे पैसे गायब हो गए थे। और उन्हें वहाँ पे न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें उनके बारे में छपा था, यानी कि वो बंदा उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बंदा जोबा को चाय पीने के लिए देता है, और जब जोबा चाय पीता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और वो क्विंसी को लेकर आगे बढ़ता है। उसके बाद जब जोबा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को नदी किनारे पाता है, और वो जब जंगल की ओर जाता है तो उसे अपने बचपन की एक डेस्क नज़र आती है जिस पर स्कूल टाइम पर वो अक्सर बैठा करता था।
उसे वहाँ पर एक नोट भी मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर केलब भी आ जाता है जो कि वहाँ पर पहुँच के ज़ोर से चिल्लाता है और उस गॉड से पूछता है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों ले आया, उसने तो सारे टेस्ट पास कर लिए थे तो आखिर वो वापस क्यों आया है। जोगा उससे पूछता है कि आखिर वो किस टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो केलब उसे बताता है कि उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए चार स्टेजेस को फॉलो किया था जो कि था रिपेंट, सबमिट, एक्सेप्ट एंड सैक्रीफाइस। यानी कि पहले उन्होंने जो भी सिन किया था उसके बारे में उन्हें सॉरी फील करना था, उसके बाद भगवान को अपने आप को सबमिट करना था और एक्सेप्ट करना था कि उन्होंने वो गलती करी है, और एंड में उन्हें कोई ऐसी चीज़ सेक्रीफाइस करनी थी जो कि उनके बहुत ही ज़्यादा करीब हो। इधर क्विंसी वुड्समैन के पास बैठी होती है और वो उसे सिड्यूस करने लगती है और एक लकड़ी की टहनी उठाकर वो उसे स्टैब कर देती है जिससे वुड्समैन की मौत हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। वुड्समैन जब ज़ोर से चिल्लाता है तो केलब उसकी आवाज़ सुन के हैरान हो जाता है और वो जुबा से कहता है कि वुड्समैन किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए क्योंकि वो उस प्राचीन गॉड का बंदा है और अगर वो मरेगा तो गॉड बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। वो गॉड को तुरंत अपनी गलतियाँ बताने लगता है जो भी उसने बचपन में करी थी और जुबा सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है, इसीलिए वो एक डंडा उठा के उसके सर पर मारता है जिससे केलब की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जुबा जब नदी किनारे जाता है तो वहाँ पर वो ढेर सारी औरतों को देखता है जो कि गाना गा रही थी और अपने खाने का बंदोबस्त कर रही थी। जब वो सारी लेडीज़ टेबल पे बैठती हैं तो हम देखते हैं कि प्रेयर के तौर पे वो रोती हैं क्योंकि वो वहाँ पे कई दिनों से ट्रैप्ड थी और उन्होंने अपने पति भी खो दिए थे। तभी वो जोबा को वहाँ पे आता हुआ देखती हैं और उसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और उसे पूछती हैं कि आखिर वो इस स्टेज पर कैसे आ गया क्योंकि आज तक कोई भी मर्द इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाया है। उसे कहती हैं कि ज़रूर वो अच्छा इंसान होगा तभी वो यहाँ तक पहुँच पाया। जोबा उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग हैं कौन, तो वो उसे बताती हैं कि उसकी तरह ही वो भी यहाँ पर आई थी, इन्होंने अपने पति यहाँ पर खो दिए क्योंकि वुड्समैन ने उन्हें जान से मार डाला। जो भी अच्छा इंसान होता है वो इस कॉटेज तक पहुँचता है और यहाँ से वो गॉड डिसाइड करता है कि किसे फ्री करना है और किसे नहीं। उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को जान से मार डाला है और बचपन में उसके यहाँ पे एक डॉग हुआ करता था जिसे उसका पिता बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका पिता उस कुत्ते को ही अपना बेटा मानता था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़न होने लगी थी, इसीलिए उसने उस कुत्ते का गला दबा दिया और उसे जान से मार डाला। और जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था। ये सुनके वो विडोज समझ जाती हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे क्विंसी भी आ जाती है जिसे देखकर जोबा खुश हो जाता है और वो विडोज हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये पति पत्नी जिंदा कैसे बच गए। जोबा उनसे कहता है कि वो यहाँ पर जानबूझ के ट्रैप हो रही हैं, अगर वो यहाँ से निकलना चाहती हैं तो वो उनके साथ चले, लेकिन कोई भी विडो राज़ी नहीं होती और वो वियर्डली बिहेव करने लगती हैं जिससे जोबा और क्विंसी वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते हुए उन्हें काफ़ी देर हो जाती है लेकिन उन्हें रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तभी क्विंसी अपने पेट में बच्चे को फील कर पाती है और जोबा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पेट पे रखती है और उसे कहती है कि वो बच्चा पेट में लात मार रहा है। जोबा इससे बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें लास्ट स्टेप पास करना होगा और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने बेटे की ही बलि चढ़ानी होगी। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक छोटा लड़का दिखता है तो जोबा उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया। क्विंसी उसे देखकर समझ जाती है कि वो उनका बेटा है और वो उसे बताती है कि उनका जब बेटा पैदा होगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। दोस्तों वो एंशियंट गॉड उन्हें फ्यूचर दिखा रहा था कि उनका बेटा ऐसा ही होगा ताकि अगर वो चाहे तो वो उसे सैक्रीफाइस ना करें, लेकिन उन दोनों ने अपना इरादा पक्का कर लिया था इसीलिए वो लोग अगली सुबह एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो सैक्रीफाइस करने वाले थे। क्विंसी लेट जाती है और जोबा से कहती है कि वो उसके पेट पर ज़ोर से वार करे और जोबा जब एक लकड़ी उठाता है उसके पेट पे मारने के लिए तो आसमान से उस गॉड की आवाज़ आती है जो कि उनसे कहता है कि रुक जाओ। ये सुन के वो दोनों रुक जाते हैं और उन्हें फ्री कर दिया जाता है क्योंकि वो सारे टेस्ट पास कर चुके थे और वो तीनों मिलके खुशी खुशी रह रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उस वुड से ये लोग इसीलिए बाहर निकल पाए क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी गलती मान रहे थे, इन्होंने जो भी गलती करी थी इन्होंने कन्फेस किया और एक्सेप्ट किया कि वो गलत थे और यहाँ तक कि ये लोग अपनी संतान को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसीलिए उस फॉरेस्ट गॉड ने जब ये देखा कि अब ये अच्छे इंसान बन गए हैं उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें फ्री कर देगा और उसने उस सैक्रिफाइस को रोक दिया और उन्हें वहाँ से जाने दिया। उन्हें उनका बच्चा भी मिल गया जिसे वो सैक्रिफाइस करने वाले थे और अब वो खुशी खुशी रह रहे हैं एक अच्छा इंसान बन के। यानी कि वो एक ऐसी जगह है जो कि लोगों को बेहतर इंसान बना के भेजती है अगर हर कोई उस स्टेप को फॉलो करता है तो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केलब वहाँ से बाहर कैसे निकल पाया। दरअसल मुझे क्या लगता है कि केलब ने सैक्रिफाइस के तौर पे अपने दोस्त को वहाँ पे भेजने का सोचा क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पे जाएगा तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो गॉड राज़ी हो गया और उसे वहाँ से निकलने दिया। लेकिन उसने जब अपने दोस्तों को वहाँ पर भेजा तो उस गॉड ने वापस उसे बुला लिया और उसको उसकी सज़ा सिर्फ मौत से ही दी क्योंकि उसने अपने दोस्त का ट्रस्ट तोड़ा था और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए उस फॉरेस्ट गॉड ने उसे उसके दोस्त के हाथों से ही मरवाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।